अगली खबर की ओर। कालका विधानसभा में आज पूर्व विधायक लतिका शर्मा के द्वारा तीज का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी पहुंची, तो कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया, बीजेपी वरिष्ठ नेत्री रंजीता मेहता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हरियाणा तीज के प्रोग्राम में कालका में आना हुआ। मैं सभी प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत हरियाली तीज की बधाई की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि बरकरार रखे और इसी तरीके से हमारा हरियाणा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। और जैसे कि महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान रहता है, चाहे किसी क्षेत्र में देखो, महिलाएँ पुरुषों से आज कम नहीं हैं। और आज बहुत पावन अवसर है कि मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला, अपनी बहनों का, अपनी सखियों के बीच में नाच गाने का, और जिस तरीके से झूला झूला है, बहुत ही मन खुश हुआ। मैं हरियाली तीज पर सभी अपनी बहनों की, हरियाणा की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हर वर्ष हम इंतजार करते हैं, हमारी कालका की बहनें सभी पंचकूला से, कि कब हम तीज का त्यौहार मनाएंगे। और पिंजौर गार्डन बड़ी भारी संख्या में हर वर्ष मनाते हैं, आप पत्रकार बंधु भी आते हो। और आज इस कार्यक्रम में हमारे को चार चांद लगे, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की पत्नी सुमन सैनी जी, जो बहुत ही हमारी प्रगढ़ कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।